गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, लेकिन इससे पहले से थोड़ा सा बेसिक है। बेसिक में क्या आएगा? सेक्टर एंड सेगमेंट, दो वर्ड का यूज होगा, सेक्टर एंड सेगमेंट। आप लोग प्रीवियस क्लास में भी इन वर्ड से परिचित हो चुके हैं, मतलब ठीक है ना, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या है। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज ए द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। माना सेक्टर किस किस से बनते हैं? सेक्टर सर्कुलर रीजन का वो पोर्शन या पार्ट जो रेडियाई प्लस आर्क्स, उसकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क से बनता है। जैसे सपोज करो, मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, जैसे सर्कल है आपके पास और इसका ये और सेंटर है, और ये तो हो जाएगी इसकी रेडियाई, ये दो रेडियस होगी ना, तो रेडियाई हो गई, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क हो जाएगी। इससे जो इंक्लूडेड एरिया होगा उसको बोल देंगे हम लोग सेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्टर हो जाएगा। मैं इस सेक्टर का नाम लिखें तो हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं ए ओ बी पी, सेक्टर है ये। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन राइज होगा, तो ये क्या है? अब देखो, जब ये एंगल ए ओ बी लेस देन होगा, एंगल इस एंगल से लेस देन होगा, तो इसको तो बोल लेंगे हम लोग माइनर, माइनर सेक्टर। और ये वाला जो व्हाइट पोर्शन बच गया इसका सर्कल का, उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का नाम लिखना हो तो हम लोग मान लीजिए पी लिया, तो ये क्यू ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू बी ओ, ए क्यू बी ओ, इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। और हमें इस बात का पता है कि जो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर है, मीन्स एंगल ऑफ ए ओ बी, मेजर सेक्टर का जो ए ओ बी एंगल है, ठीक है ना, वो क्या होगा? 360 टोटल होता है सेंट्रल एंगल माइनस एंगल ये वाला एंगल ए ओ बी, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। माना इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ये वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, 360 माइनस एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं हम लोग सेगमेंट की। सेगमेंट, तो सेगमेंट में और सेक्टर में क्या डिफरेंस है? कि जहां रेडियाई होती है वहां पर इसकी कोर्ड इंक्लूड हो जाएगी, कोर्ड प्लस आर्क, एरिया इंक्लूडेड बाय कोर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये कोई कोर्ड ले लिया हमने, ये कोर्ड सपोज करो ए बी ए कोर्ड है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये है, तो इससे इंक्लूडेड एरिया जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। इसमें भी सिमिलरली उसी टाइप से दो टाइप के होंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इसको बोल देंगे फिर मेजर सेगमेंट। हम बात करते हैं भाई इनका एरिया कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हम लोग सेक्टर के बारे में देखते हैं कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि भाई एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, और ये सर्कुलर रीजन का एक पार्ट है, मतलब ठीक है ना, तो सर्कुलर रीजन का पार्ट है, तो इसका लो सर्कुलर एंगल कितना होगा? 360 डिग्री का। तो सर्कुलर रीजन जो है वो भी एक सेक्टर है, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 360। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, तो व्हेन द एंगल
एट द सेंटर इज 360, देन एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, हम लोग लिखते भी हैं। जब ये 360 था तो पाई आर स्क्वायर है, जब 1 डिग्री होगा तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 डिग्री होगा, अगर थीटा हो तो क्या होगा, 1 डिग्री के प्लेस पे थीटा आ जाए, माने कोई भी एंगल आ जाए, तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो मैंने इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो ये रिजल्ट आया हमारे पास, ये एरिया ऑफ ए सेक्टर होगा, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। जब भी सेक्टर वर्ड यूज होता है तो समझना माइनर सेक्टर की बात हो रही है, जब तक कुछ पर्टिकुलर डिफाइन ना हो। जब सेक्टर यूज होगा तो माइनर सेक्टर यूज होगा, जब सेगमेंट यूज होगा तो माइनर सेगमेंट यूज होगा। अब देखो ये तो आया फिर सेक्टर, माना माइनर, माइनर की बात हो गई, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हमें पता है कि जो सेक्टर है वह सर्कुलर रीजन का एक पोर्शन है, तो इसका मतलब क्या, पूरे सर्कल में से स्मॉलर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से देखो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया माइनर और मेजर का है। इसी तरह से यूनिटरी मेथड का यूज करके, मैंने वन का यूज करके, जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, जैसे हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, इसी तरह से लेंथ हम लोग आर्क की भी लेंथ भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, वही उसी तरह से यूज होगा, थीटा बाय 360, लेकिन लेंथ की बार जो है तो सर्कमफेरेंस की लेंथ की 2πr हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ अगर मेजर आर्क की बात करें तो 2πr माइनस दिस, या उसका सेंट्रल एंगल पता हो, उस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, तो भी हम लोग मेजर आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमें माइनर की पता होगी तो मेजर की तो निकाल सकते हैं, मीन्स ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 2πr माइनस थीटा बाय 360 2πr, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और इजी हो जाएंगे। देखो अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की, ये तो हमने एरिया निकाला सेक्टर का, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, माइनर का सब्ट्रैक्ट कर दे सर्कल में से तो मेजर का आ जाएगा, लेंथ सिमिलरली इसी वे से है। अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो सेगमेंट के एरिया के लिए तो कुछ भी सेंट्रल एंगल भी नहीं बना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या बन गया, सेगमेंट बन गया ये, ना सॉरी सेक्टर बन गया ये, हमें निकालना इस चीज का है। अगर हम लोग, हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, कि इसके सेक्टर में से अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेगमेंट का आ जाएगा। अगर इस सेक्टर में से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मींस माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इसका नाम लिख लेते हैं AOB, तो AOB का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और देखो अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, मेजर ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में से अगर हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये मेजर सेगमेंट बच गया, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास।
मींस अगर हम लोग इसको लिखें तो इसको मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस तरह से हम लोग इनके एरियाज निकाल सकते हैं। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे इजीली समझ में आएंगे। देखो 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है देखो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई, जब तक नहीं कहता तब तक हम लोग 22/7 यूज करेंगे, अदरवाइज जो कहा गया है उस पाई का यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट में एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर विद एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब क्या कहते हैं, रेडियस हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री है, थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री है, क्या निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर लिखा इस माइनर की बात हो रही है तो उसका फार्मूला लिख लेंगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, बाय 360 पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, आर हमारे पास 6 हो गया 6 × 6 तो ये 6 × 6 = 36, 6 से ये कैंसिल तो ये आपके पास आ गया 6 × 2 = 12 और 13 तो ये आपके पास एरिया है ना, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या सर्कल का 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल वो सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल है जैसे क्वाड्रेंट क्या होता है माना सेंटर पे राइट एंगल जो बढ़ता है ये क्वाड्रेंट हो गया, माने इसको इस तरह से भी लिखते ना ये 4 पोर्शन हो जाए तो ये क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना इस टाइप से। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए हम हमारे पास क्या सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू कितना 22 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस का क्या होता है 2πr, जो चीज गिवन है उसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं तो 2π की वैल्यू 22/7 × r इज इक्वल टू 22, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 22 × 7 हो जाएगा और 2 और 22 डिवाइड में चले जाएंगे तो आर क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है थीटा भी हमें पता चल गया, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्वाड्रेंट मीन्स क्या है सेक्टर ही होता है इज इक्वल टू सेक्टर और वो क्या होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बस इसमें क्या है पर्टिकुलर एंगल 90 का हो जाता है बाय 360 पाई की वैल्यू रख लेंगे, पाई क्या हो गया 22/7, आर हमने अभी निकाला 7/2 स्क्वायर है तो 7/2 हो जाएगा तो ये 9 × 4 = 36, 7 × 7 = 11, 11 × 7 = 77 तो ये क्या आ गया 77 और 4 × 2 = 8 तो ये आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मान लीजिए आपके पास लॉक है तो वो कहता है जो मिनट हैंड है ना मिनट हैंड जैसे मान लीजिए मिनट हैंड है ये यहां से यहां चली गई, सुपोज करो ये 5 मिनट ये 12 था ये 5 मिनट पे चली गई तो 5 मिनट ने इसने एरिया कितना स्वैप किया है ये क्या है सेक्टर है ये तो सिर्फ हमारे लिए रह क्या गया कि एक तो हमें इसकी रेडियस चाहिए
और ये रेडियस क्या करेगी, जो मिनट हैंड की लेंथ है वही इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसका मतलब रेडियस तो होगी 14 सेंटीमीटर। क्या रह गया, सेंट्रल एंगल रह गया, वो निकाल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड एंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये रह गया ये एंगल निकालना। हमें पता है जो मिनट हैंड जब वन राउंड कंप्लीट करती है तो वो 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, लेकिन 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो लिख लेते हैं एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो 60 मिनट में 360 का, वन में कितने का बनाएगी, डिवाइड बाय 60, और हमें क्या चाहिए 5 मिनट में चाहिए। तो ये 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, तो माना 30 डिग्री का बनाएगी। तो माना ये क्या आ गया, ये आपका थीटा आ गया। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, वो क्या होगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला वही लगेगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा क्या आ गया, मिनट 30 डिग्री बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने लिखे ना मिनट हैंड की जो लेंथ है 14 × 14, 0 से 0 3 1 जा 3 2 जा 7, 2 6 जा 2 3 जा 2 पे 11, तो 11 × 14 तो 154, और डिवाइड बाय 3 आ गया, एरिया है तो स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल सबटेंड किया है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। अब देखो सेगमेंट आ गया, अब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। अब पाई देखो 3.14 यूज करनी है, तो देखो क्या करेंगे, आर रेडियस तो क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल थीटा क्या हो गया 90 डिग्री का। तो हमें फर्स्ट निकालना माइनर सेगमेंट का एरिया। तो सुपोज करो ये आपके पास सर्कल है, सेगमेंट क्या होगा, ये सेगमेंट होगा, इसका एरिया निकालना। सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, इस सेक्टर का निकाल के उसमें से स्ट्रेंगल का घटाएंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये आपके पास माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है। तो इसमें आर 10 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है तो 10 होगी, थीटा 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, इसका नेम लिख लेते हैं ए ओ बी ट्रायंगल का, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो माइनर सेक्टर का एरिया तो का तो फार्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो थीटा 90 डिग्री का हो गया बाई 360। पाई हमने 3.14 यूज करनी है इस टाइम, तो 3.14। और आर आपके पास है 10, तो 10 इंटू 10 1/2। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है 10, हाइट क्या है वो भी 10, तो ये 9/4 जा, इसका डेसिमल 100, ये 100 10 और 10 से कैंसिल, तो ये 2/2 जा 2157, तो ये 2/5 जा, तो ये आपके पास आ गया 157 डिवाइड बाय 2, तो 2/7 जा 2/8 जा और 2/5 जा, माइनस 10/5 जा 50, तो 28.5 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है ना, इस सेगमेंट का एरिया। अब क्या पूछ रहे हैं, मेजर सेक्टर का निकालना। देखो माइनर सेक्टर का हमने यहां निकाला है, ये माइनर सेक्टर का, ये सेक्टर का है ये, तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजर सेक्टर का बचेगा, तो सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पाई तो आपके पास 3.14 है, आर 10 इंटू 10, 10 आर है, माइनर सेक्टर का 78.5, इसका डेसिमल का 100, ये 100 इनसे कैंसिल, 314 माइनस 78.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 5, और इधर 13 में से 8 5, 10 में से 7 3, और ये 2, तो ये आपके पास जो है मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया।